हेलो एवरी वन वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे वेबसाइट पर जाकर किस तरीके से डाउनलोड करना है वो सारा कुछ देखेंगे इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए देखें देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है तो ये वैकेंसीज पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल है पीजीटी मैथमेटिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल है पीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल और इसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है और काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए ये जो है टोटल पाँच वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट में टीजीटी पीजीटी के लिए हालांकि वैकेंसी बहुत कम है बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी टाइम है अभी इसमें तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जा सकते हैं इसके अलावा सैलरी पैकेज भी अच्छा है सेवन सी सी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल झुंझुन राजस्थान की है और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू रन कराई जाती है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ लिखी हुई है और ये सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं परमानेंट नहीं है ये इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है और अभी हम वेबसाइट पर भी जाकर विजिट करेंगे तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश टी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कैटेगरी जो है एस टी यू आर के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट आपका मास्टर्स में होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एंड साथ में बीएड होना चाहिए इसके अलावा पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स एंड एक ग्रेड एंड इंटीग्रेटेड थ्री ईयर बी एड या एम होना चाहिए ठीक है डिजरेबल क्वालिफिकेशन जो कि सब में लागू होगी वो है मिनिमम फाइव ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में और प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए बहुत अच्छी गेम्स एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वाल्व हों इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए सैलरी जो है वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड पर मंथ अवेलेबल एकोमेंडेशन भी है साथ में इसके अलावा फूड फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों ही जो है आपको मिलेगी एज लिमिट जो है वो इक्कीस से चालीस ईयर्स के यानी ट्वेंटी टू फोर्टी ईयर्स वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं कर सकते हैं एज काउंट होगी आपकी थर्टीन नवम्बर से लेकर दो तक ठीक है नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो पी जी डी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए है ये ओ बी सी एंड यू आर के लिए है इसमें भी सेम वही चीज़ें दी हुई हैं कंसर्न सब्जेक्ट में आपका फिफ्टी फाइव परसेंट में मास्टर्स होना चाहिए बी एड होना चाहिए और सैलरी सेम सिक्सटी फाइव थाउजेंड प्लस आपका रेसिडेंशियल एंड फूड जो है आपको फ्री मिलेगी नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जिसमें बी बी टेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो वो कर सकते हैं इसके अलावा एम एस एम सी एम एस सी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मास्टर्स इन आई टी और इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके अलावा एम एस सी मैथेमेटिक्स एंड बी एस सी कम्प्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं बी सी ए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स फ़िजिक्स और इस्टेटेटिक्स एंड एट लिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं बी लेवल फ्रॉम डो एक से आपने अगर किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेम यही सैलरी यह, पैकेज और रेजिडेंशियल uh, एंड hmm. सारी फैसिलिटीज़ होगी और एज भी सेम यही होगी इसके अलावा यहाँ पर टी के लिए देख सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है वो वन है यू के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए बीए बीएड रिकॉग्नाइज कॉलेज के साथ जो कि एन सी ई से आ, हो ठीक है इसके अलावा सब्जेक्ट में आपका फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए पी साइंस uh, के लिए इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर्स ग्रेजुएशन विद जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक सोशोलॉजी हिस्ट्री एंड मेन सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट एंड बी एड डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ आपका ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका जियोग्राफी पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशलॉजी एंड हिस्ट्री है अगर फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद आपका बी एड एंड एम एड होना चाहिए पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यहाँ पर आप जो है सी टेट या एस टेट आपने किया हुआ है पेपर टू क्लियर ठीक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा डिजरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो पीजी डिग्री इन ज्योग्राफ़ी और ऑनर्स ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी वाले इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड कोक्रिकुलम एक्टिविटीज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो ये सारे जो है डिजरेबल क्वालिफिकेशंस में आते हैं यहाँ पर जो है टी जी टी के लिए सैलरी सिक्सटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एट होगा पर मंथ ओनली अवेलेबल एंड एकोमेंडेशन इफ एनी मे बी प्रोवाइडेड इन स्कूल कैंपस एज़ पर स्कूल डिस्क्रिएशन तो यहाँ पर जो है आपको एकोमडेशन भी फ्री मिलेगी इसके अलावा जो है थर्टी एज लिमिट जो है वो थर्टी वन सॉरी ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव तक है जो कि एज काउंट होगी आपकी थर्टी नवंबर से लेके तीस नवंबर से दो हज़ार तेईस तक की ठीक है अब नेक्स्ट जो है वो काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए रिक्रूटमेंट है ये ओ कैटेगरी uh, के लिए एक पोस्ट है इसमें और इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अलावा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपने की हो और इनके लिए जो है वो डिजरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल आपने अगर वक वर्क किया हुआ है काम किया हुआ है रेजिडेंशियल स्कूल में एज अ करियर एजुकेशनल काउंसलर के पोस्ट पर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रोफिसियंसी आपकी गेम्स एज वेल एज को, को करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो सेम ये सारे डिजरेबल क्वालिफिकेशन हैं इसमें भी सैलरी जो वो है सिक्सटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइ फिफ़्टी एट है पर मंथ इसके इसकेमंडेशन भी आपको दी जाएगी एज लिमिटेशन सेम है बिटवीन ट्वेंटी तो वन टू थर्टी फाइव ठीक है तो ये पूरी वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी इसके अलावा अब आप इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और एग्ज़ाम कब है टाइमिंग क्या होगी वो सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द uh, right टू इंक्रीज डिक्रीज और कैंसिल द vacancies. तो so, uh, जो है vacancies बढ़ सकती है घट सकती है वो uh, जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है इसके बाद और candidate कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव categories कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट सैनिक स्कूल जो वी पी ओ ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है पी जी टी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए पी कंप्यूटर साइंस के लिए और काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए एटीनथ और नाइन्टीन दिसंबर को आठ बजे मॉर्निंग में वहाँ पे आपको जाना होगा एंड नेक्स्ट जो है टीजीटी सोशल साइंस एंड पीजीटी मैथ्स के लिए आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर को जाना होगा मॉर्निंग में आठ uh, बजे ठीक है कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू अपेयर इन क्लास डेमोस्ट्रेशन जो कि 20 मिनट का होगा आपको ए, लेसन प्लान बना के जाना है और डेमॉन्स्ट्रेशन यानी डेमो देनी होगी क्लास में फॉर पी के लिए जो है क्लास एलेवंथ में देना होगा और टी के लिए जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनको क्लास टेंथ के लिए डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर होके जाना है बीस मिनट का आपको लेसन प्लान तैयार करके जाना है Candidates for uh, counselor will be required to conduct a uh, uh, counseling session for class 9th uh, POCSO related issue. ठीक है इसके अलावा इफ़ नो सुटेबल कैंडिडेट्स इज़ फाउंड फ्रॉम रिस्पेक्टिव कैटेगरी रिक्वायरमेंट स्केडूल फॉर यू आर कैंडिडेट विल बी इंटमेटेड सबक्सियसली ठीक है तो अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए अगर uh, कोई कैंडिडेट अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो uh, कर सकते हैं दोबारा जो है स्कीड्यूल कर सकते हैं यू आर कैंडिडेट्स के लिए ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट जो है ऑर्र कैंडिडेट्स ऑफ सॉरी ऑर् कंडीशन फॉर रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्पररी स्टाफ के लिए यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं इसे आप देख लीजिएगा ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है uh, ये जो है आपको फॉर्मेट हाँ एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको रिक्रूटमेंट के टैब में मिलेगा इस वेबसाइट uh, पे तो अभी हम चल के देख लेंगे uh, और uh, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ अटैच करके 500 हंड्रेड कर, का आपको नॉन रिफंडेबल एस बी आई का ड्रॉन बनाना होगा ठीक है पे भी ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है किसके फेवर में आपको टू फाइव हंड्रेड यू आर के लिए जनरल कैटेगरी के, के लिए एन ओ बी सी के लिए हैं एंड टू फिफ्टी रुपीज़ जो है वो एस सी एस टी के लिए uh, फ़ीस लगेगी अप्लाई करने के लिए इसके अलावा आपको uh, एस सी एस एन ओ बी सी को कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर फीस के साथ सबमिट करना होगा लास्ट डेट ऑफ रेसिपियन ऑफ एप्लीकेशन आपका नौ दिसंबर नौ दिसंबर के पहले तक आपको अप्लाई करना है इसमें और आ, इसमें आप आ, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं बाय हैंड भी आप एप्लीकेशन हाँ यहाँ पे दिया हुआ है बाय हैंड एप्लीकेशन सॉरी एक मिनट बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड ठीक है तो बस आपको स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर पोस्ट के थ्रू अप्लाई करनी है नेक्स्ट मोड ऑफ कॉल लेटर यहाँ पे दिया हुआ है ये सर एग्ज़ाम टेस्ट जो है वो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो वी फुल फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न टेस्ट विल बी टेस्ट ओनली इंटरव्यू होगा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा यहाँ पे तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी इसके अलावा आप अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी वहाँ से इजीली आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आप चलते हैं वेबसाइट पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से फिल करना है और क्या करना है ठीक है तो यहाँ मैं आ गई वेबसाइट पर ये आप देख सकते हैं एस 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 झुंझुन डॉट कॉम पर जब आप आएंगे सैनिक स्कूल झुंझुन जो कि राजस्थान में है यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहीं पर जस्ट वेट मेन्यू के ऑप्शन में यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रिक्रूटमेंट वाले में आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया अभी ये ओपन हो रहा है रिक्रूटमेंट के सेक्शन में तो यहाँ पे ओपन करने पे कोई भी एड सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट आपको मिल रही है बट यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया होगा वहाँ पर आप कॉल कर कर एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि, कि किस तरीके से हम अप्लाई करें क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो है नहीं यहाँ पर तो जो भी है एक बार आप कॉल करके और या फिर मेल करके इसमें अप्लाई करके पूछ सकते हैं और अप्लाई करना है आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी सैनिक स्कूल जिन से जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड यदि इस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो है लिंक दे दूँगी आप